तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग मैं ऑफिस में स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे को आज पता चला कि आज है रितिका का बर्थडे जो कि हमारी स्टाफ नर्स है। तो हम फिर एक सरप्राइज देने की सोच रहे हैं, तीन चार लोग मिल के कुछ अच्छा सा केक वगैरह मंगा लें, कुछ खाने के लिए मंगा लें, तो वही सोच रहे हैं। तो अभी थोड़ी बहुत देर में मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, वो आने वाला है और देखते हैं कि कैसा मतलब रिएक्शन कैसा रहता है लड़की का हमारी का, कि कैसा फील हो रहा है उसको बर्थडे पे, वो सब हम नोट करेंगे आज। और जैसा जैसा रहेगा वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो चलो चलते हैं। तो वैसे अभी थोड़ा सा सामान आ गया है और अभी थोड़ा सामान रह गया है, जैसे कि केक वगैरह आना है तो वो अभी रास्ते में ही है भैया, वो लेके आ रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक और मंगाई है और समोसे मंगाए थे वो तो मिले नहीं, तो हमें ब्रेड पकौड़े मिल गए नियर बाय, तो हमने वही मंगा लिए जो कि बहुत टेस्टी होने वाले हैं। सो चलो चलते हैं। हमारी कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। कैसे होगा, ओपन कर लेते हैं और उसके बाद मैडम को बुलाया जाएगा। भैया बंद करो बस। सो गाइस ये हमारा एकदम डेलीशियस सा केक आ चुके रेडी हो चुका है और ये हमारा नाइफा वाला तरीके का केक वो आने लगा है चक्कू, है ना। और ये हमारी इसकी कैंडल्स हैं जो कि मैं खोल रही हूँ। और गाइस ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, कुछ मिला नहीं तो मैंने प्लेट ही कर ली है ना। और ये हमारी कैंडल्स हैं और देखो अलग तरीके से इसमें माचिस भी दी हुई है जिससे कि हम कहीं जाना ना पड़े और वहीं के वहीं हमारा काम हो जाए। अभी हम निकाल लेते हैं और सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं फटाफट से। इसमें लगा दूं क्या भैया? सो गाइस अभी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ क्योंकि भैया जा चुके हैं, भैया नहीं पकड़ रहे मतलब मेरा भैया मैं ये लगा दूं क्या ये सारे साइड में ऐसे? हाँ साइड कितना बन लगाओ बस होंगे एक ही लगाओ एक ही ठीक है बीच में मदद में बीच में ठीक है ज़्यादा फिर एज तो गाइस है तो बहुत सारी बट भैया बोल रहे हैं एक ही लगा दो और एज काउंट हो जाएगी और ना मेरे बर्थडे में लग जाएंगी सारी, इन लोगों को खरीदनी पड़ेगी। जोक सपाट। और अब हमारी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी है तो हम सोच रहे हैं फटाफट से जाएं और मैडम को बुला लें और उसके रिएक्शन नोट करेंगे कैसे रहने वाले हैं, बेइज्जती ना करें। ये दी माचिस कैसे जलाएंगे, तिल्ली तो दे दी उन्होंने, इसका खोका कहाँ है भाई? गलत बात है, हमने ऑनलाइन केक मंगाया उसके साथ माचिस तो भेजी लेकिन माचिस का वो नहीं भेजा है ना, होगा नहीं है भैया, लाइटर से जलानी पड़ेगी। नहीं है। अब गाइस देखो मेरी पैकेजिंग अच्छी लग रही है, है ठीक है। नहीं अभी नहीं जा पाएगी गाइस, गलत बात बोल दी मैंने यहाँ पे, भैया कह रहे हैं है थोड़ा सा, तो अभी हम इसको यहीं रखते हैं और मैडम को बुलाते हैं फटाफट से और मिलते हैं आपसे। केक काटते बोल दो खोलो नहीं बंद रहा ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रितिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू, वेलकम। फायदा कैंडल कैंडल वाली से ही भूल गई है, हम इसे ही जलाएंगे। सो गाइस 1 2 स्टार्ट दे आल्सो। तो अभी हमारी जल चुकी है माचिस, तो अभी हम करेंगे केक कटिंग। आ जाओ भैया, अभी कैंडल जल चुकी है, चल चलो चलो हल्का सा नहीं आ जाओ। ओके 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, बेटा तो सामने देखो, स्ट्रेट देखो सामने, यस वेरी गुड गुड गर्ल यम्मी। चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो गाइस यहाँ पे चल रही है अभी केक पार्टी, खाओ भाई खाओ। अब मैं खा रही हूँ ये अनन्नास। अबे 200 चम्मच नहीं है गाइस, मेरे पास तो कटोरी भी नहीं है, कटोरी के साथ तो खा रहे हैं लोग। गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेड पकौड़ा पार्टी चल रही है, तो देखो ये रही इसमें चटनी, ये रही कोल्ड ड्रिंक और ये रही वो मैडम, और ये रहे हमारे छोटू भैया और ये रहा हमारा सामान। हम वहाँ से आए हैं सीधा फेस वॉश और कुछ सामान लेने के लिए, तो हमें कमला नगर मार्केट आना पड़ा क्योंकि हमारे वहाँ पे नियर बाय ये वाला स्टोर नहीं है,
तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से चाय, क्योंकि महाराज जी को चाय पीनी है। और चाय बनाने के बाद, मतलब पीने के बाद, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कमला नगर गई थी तो वहाँ से क्या लेकर आई हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो हम पहले बना लेते हैं चाय। चाय के लिए हमने उठा लिए 2 कप, हीरा एक हीरा, और अभी मैं रखती हूँ इसमें पानी। तो गाइस मैं चाय बना लेती हूँ और चाय के लिए लेना होगा सबसे पहले पानी। आप लोगों को वैसे बनानी आती होगी चाय, लेकिन मैं अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने लिया है बड़ा वाला कप भर के पानी। ऐसे सब मना करते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, पर अभी इनको चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ। क्या करें यार, बस तो राइटिंग सोचती हूँ पर कुछ भी हो नहीं पाता। अभी मैं जला देती हूँ ये गैस, गैस जला दी। और अभी हम इसमें डालेंगे चीनी और चाय पत्ती। चीनी सब अपने अपने अकॉर्डिंग डालते हैं और मैं भी वैसे ही डालूंगी सेम अपने अकॉर्डिंग। और इसमें डालेंगे गाइस चाय पत्ती, चाय पत्ती मैंने डाल ली और मैं फटाफट से डाल लेती इसके अंदर अदरक जिससे कि टेस्ट आ जाएगा। सो मैं अदरक निकाल लेती हूँ पहले, अदरक निकाल के इसको हम वॉश कर लेंगे। इसको हमने वॉश कर लिया और अभी इसमें साफ है, इसको हम कूट देंगे। गाइस मैं दिखाती हूँ कि मेरी चाय कैसी लग रही है। सो इसमें हमने ले लिया है 1 कप दूध, मतलब मिल्क ले लिया है इंग्लिश में बोलेंगे। और यहाँ हमारी चाय पक चुकी है और इसमें डाल दूंगी, मैंने अदरक डाली थी जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये दूध, और दूध डल गया इसमें। अभी फाइनल इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो गाइस हमारी चाय हो जाएगी बनकर तैयार। सो फाइनली गाइस हमारी चाय बन गई है और अभी हम इसको सर्व करेंगे अपने पति देव को। कौन कौन चाय लवर है जरा कमेंट करके बता देना, मोटे हो जाओगे। सो फाइनली गाइस मैं चाय लेके आ गई हूँ और देखो ये रात में नमकीन खा रहे हैं। गाइस क्या आप लोग बताओ कि रात में नमकीन खाना बेस्ट है? ऐसे ऐसे देखते हैं ये अपने सीरियल, ये देख रहे हैं गाइस, देखो गरुड़ देख रहे हैं। और अब ये पियेंगे चाय और आ चुकी है पूनम, ये महारानी आई है इतनी लेट। चलो कोई नहीं, अभी हम गेट बंद कर देते हैं और चलते हैं वापस इन्हीं की तरफ। देखो 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 इनकी चोरी, मुझे बिगाड़ने का असली राज। सो गाइस मैं पी लेती हूँ पहले चाय और उसके बाद दिखाऊंगी जो जो कि मैं सामान लेकर आई हूँ। तो चलो पीते हैं चाय और गाइस आप लोग भी पी लो और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन चाय लवर्स हैं। इग्नोर मत मार देना, बता ही देना मुझे। सो गाइस हमारी आपसे बात हुई थी कि मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोडक्ट जो कि मैं कमला नगर मार्केट से लेके आई हूँ। सो अभी रात में बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, मतलब 12 ही बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा ये व्लॉग मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो आप लोगों को ये सारी चीजें मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सो गाइस ये है मामा अर्थ के प्रोडक्ट, मामा निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये मैं लेके आई हूँ मामा अर्थ का राइस हेयर ऑयल जो कि बहुत अच्छा है, और मैं यही सोच रही हूँ कि अब से मैं सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट ही यूज करूंगी। सो देखो ये इससे क्या हेयर फॉल डैमेज वगैरह वो नहीं होगा। और सेकंड प्रोडक्ट है, एक मिनट, हेयर ऑयल है और ये सेकंड प्रोडक्ट है हमारा मामा अर्थ का राइस शैम्पू, ये भी बहुत अच्छा है और मैं पर्सनली यूज करूंगी। तो गाइस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बाकी और कोई वो नहीं है। और ये इसका कंडीशनर है सेम, तो मैं ये लेके आई हूँ। और एक मैं लेके आई हूँ फेस वॉश विटामिन सी, ये भी मामा अर्थ का ही है और ये भी बहुत अच्छा है। और गाइस बहुत अच्छे अच्छे सामान लाई हूँ। सो गाइस ये ना, ये जैसे डार्क सर्कल नहीं हो जाता है, ये उसके लिए है जैसे यहाँ पे, तो रात को सोते वक्त लगाना। ये भी मामा अर्थ का ही है जो कि आपको दिख रहा है, अगर आपको भी किसी को डार्क सर्कल है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है ये कॉम्पैक्ट, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया।
अच्छा है ये भी। और गाइस सबसे अच्छी है ये लिपस्टिक, और इसका लिपस्टिक बहुत ही प्यारा है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। सो गाइस ये है और ज्यादा कॉस्टली सच्ची में गई से लिपस्टिक का शेड बहुत ही प्यारा है, और मैं आपको टेस्ट करवा मतलब चेक करवा देती हूँ, मतलब कोई प्रमोशन नहीं है ये, बस ऐसी मेरे को बहुत प्यारा शेड लगा। तो गाइस देखो इसका शेड कितना प्यारा है, ये सारा मेरा पूरा हाथ ना चेक कर रही थी तभी लिया था मैंने, तो ये बहुत ही सुंदर है। अगर आप भी कोई अच्छा शेड ढूंढ रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, और इसका नंबर है रोजी न्यूड 02, ये मामा अर्थ की है गाइस, अगर आपको नहीं दिख रही नहीं दिख रही, ये मामार्थ 02 है, ऐसे करके मैं आपको दिखा देती हूँ, और अगर आपको लेनी है तो ये बहुत अच्छी है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसका 8 to 10 hours का स्टे पावर है, तो आप इसको ले सकते हैं। और गाइज ये हमने फाइनली लिया परफ्यूम, और ये वाला इस्तेमाल करके देखेंगे, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो गाइज। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, तो मिलूंगी एक न्यू और एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप ये वाला ब्लॉग एंजॉय करो। अगर आप कुछ और चाहते हैं जैसे कि कोई प्रैंक वीडियो, चैलेंज वीडियो, तो आप मेरे को वीडियो सजेशन में लिख के कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आ जाऊंगी। तो गाइस चलो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।